इस कहानी की शुरुआत में नोरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। ऊपर चोटी में पहुंचने के बाद उसके पिता उसे सामने पहाड़ दिखाते हैं और कहते हैं कि आज भी हमारी दुनिया में ट्रोल्स मौजूद हैं। वो अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। नोरा के पिता ने उसे कुछ वक्त पहले कहानी सुनाई थी जिसमें उन्होंने 13 ट्रोल्स के बारे में बताया था जो एक पार्टी में गए थे जहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था, पर उनको कोई होश नहीं था, उनको वक्त का पता नहीं चला, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी उन पर पड़ गई और वो पत्थर के बन गए। नोरा के पिता नोरा को कहते हैं कि सामने पहाड़ में आज भी ट्रोल्स हैं। नोरा उनकी बात पर यकीन नहीं करती और उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें अपने मन की आंखों से देखना चाहिए। जब वो अपने विश्वास के साथ पहाड़ों की तरफ देखती है तो उसे थोड़ी सी ट्रोल्स की झलक दिखाई देती है। ट्रोल्स दिखते तो इंसानों की तरह थे पर ये साइज में बहुत बड़े थे, लेकिन इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। कई साल बीत जाते हैं, नोरा अब बड़ी हो चुकी थी। नोरा अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही थी, लेकिन उसको खुदाई के दौरान कुछ नहीं मिलता। उसकी टीम वहां पर 6 महीने से खुदाई कर रही थी, उनको वहां पर अभी तक कुछ नहीं मिला था। टीम के लीडर नोरा को समझाते हैं कि अब हमें यहां से चले जाना चाहिए, पर नोरा अभी भी थोड़ा सा और वक्त चाहती थी। वो खुदाई कर रही थी तभी अचानक से जमीन में उसे कुछ दिखाई देता है, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद हमें एक टनल दिखाई जाती है जहां पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। वो टनल को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर एक ब्लास्ट करते हैं जिसके बाद सबके सब अंदर जाते हैं और उन्हें लगता है कि कोई चीज उनकी तरफ आ रही है, जिससे सबके सब डरकर वहां से भाग जाते हैं। और जो मिलिट्री कमांडर हैं वो इस पूरे इलाके के मामले को जानना चाहते हैं, इसलिए वो एक बहुत बड़ी मीटिंग रखते हैं जिसमें नोरा को भी बुलाया जाता है। नोरा जब मीटिंग में जाती है तो वहां पर सबके सब आसपास के इलाके की फुटेज देखते हैं जहां पर टनल थी। सबको लगता है कि ये सब तूफान की वजह से हुआ है, पर नोरा कहती है कि मुझे तो ये कोई बहुत बड़ी चीज लग रही है। फिर उन्हें बहुत बड़े निशान दिखते हैं जिस पर नोरा कहती है कि ये किसी के पैरों के निशान हैं। नोरा की इस बात पर सब उस पर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है और सबको बताती है कि टनल के अंदर से एक वीडियो फुटेज आई है, और जब सब उस वीडियो फुटेज को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी चीज को देखते हैं। नदी के पास एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है, उसका डॉग जोर जोर से भौंक रहा होता है और अगले पल उनका घर हिलना शुरू हो जाता है। वो दोनों डर जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए नीचे तहखाने में चले जाते हैं, जिसके बाद वहां पर बहुत तेज हलचल होती है। दोनों थोड़ी देर बाद बाहर आकर देखते हैं तो उनका घर तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इस केस को स्टडी करने के लिए नोरा और उसके साथी एंड्रियास को उन दोनों के यहाँ पर भेजा जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात कैप्टन से होती है। वो बताता है कि नदी पार कोई बहुत बड़ी चीज आई है और उस बड़ी चीज ने इनके घर को तोड़ दिया। वहां पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान भी हैं, जो आगे 3 किलोमीटर तक है। और हैरानी की बात यह है कि 3 किलोमीटर के बाद पैरों के निशान अचानक से गायब हो गए। नोरा एंड्रियास को और कैप्टन को अपने पिता के पास ले जाती है क्योंकि उसके पिता दुनिया से अलग सोचते थे और साथ ही उन्होंने पहाड़ों पर ट्रॉल्स के ऊपर बहुत स्टडी की थी। नोरा जब अपने पिता के घर जाती है तो देखती है कि आज भी उनके घर पर बहुत सारी ट्रॉल्स की फोटो होती हैं, जिस पर दुनिया विश्वास नहीं करती। नोरा के पिता नोरा और उसके दोनों साथियों को बताते हैं कि आज से कई साल पहले पहाड़ों से कोई चीज निकलती थी जिसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। गवर्नमेंट को इसके बारे में पता था लेकिन उन्होंने दुनिया से इस बात को छुपाया। नोरा अपने पिता को बताती है कि आज भी पहाड़ी से कोई चीज निकली है और उसके पिता पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि वो ट्रॉल्स के अलावा कुछ नहीं हो सकती। नोरा के डैड बताते हैं कि हजारों साल पहले रोज ट्रॉल्स इस दुनिया में खुलेआम रहा करते थे। जो भी इंसान उनसे बात करने या संबंध रखने की कोशिश करता था उसे सजा दी जाती थी। और अब नोरा अपने पिता को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर पैरों के निशान थे। यहां पर नोरा के पिता पहाड़ों के पत्थरों को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, जिस पर एंड्रिया और कैप्टन उसके पिता को पागल समझते हैं। दरअसल पूरी दुनिया उसके पिता को पागल समझती थी क्योंकि वो ट्रॉल्स की बातें करते हैं जो दुनिया के लिए एक कहानी है। नोरा भी अपने पिता की बातों पर यकीन नहीं करती। नोरा अपने पिता के पास जाती है और कहती है यहाँ पर कुछ नहीं है, और तभी अचानक आसमान में बादल आना शुरू हो जाते हैं। नोरा को अजीब सी गंध आती है और जब वो पीछे पत्थर को देखती है तो उसकी एक आंख खुल जाती है क्योंकि वो एक ट्रॉल्स होता है जो सबके सामने खड़ा हो जाता है। सारे के सारे अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से वहां भागते हैं। ये उसे लाइव रिकॉर्ड करके वहां पर दिखा रहे होते हैं जहां पर मिलिट्री कैंप है,
जहां पर बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, और अब सबको यकीन हो चुका था कि ये एक बहुत बड़ा दानव है जो इस दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। वहां नोरा कहती है कि इस केस के ऊपर और स्टडी करना चाहती है। वहां की प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, जब तक तुम इन बातों को समझोगी कि वो क्या चीज है, तब तक वो चीज हमें बर्बाद और तबाह कर देगी, और अब मिलिट्री अपना काम करेगी। यहाँ पर कैप्टन अपनी टीम के साथ वहां पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। नोरा कहती है, हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। हालांकि कैप्टन को इस बात की इजाजत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो नोरा और उसके पिता को अपने साथ ले जाता है। ये उस जगह पर उसके इंतजार में बैठ जाते हैं, जहां पर अब कुछ ही पलों में ट्रॉल्स उनके सामने होता है। इसके ऊपर कई हमले किए जाते हैं, जिससे ट्रॉल्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी नोरा के पिता ट्रॉल्स के सामने आ जाते हैं। उसे कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा। यह सुनने के बाद ट्रॉल्स शांत हो जाता है, क्योंकि वो इंसानों की भाषा को समझता है। और अब इससे पहले कि नोरा के पिता कुछ कहते, एक सोल्जर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो उसके टैंक को अपने पैरों से कुचल देता है, और साथ ही वो नोरा के पिता के ऊपर भी हमला करता है, जिससे नोरा के पिता दूर जाकर गिरते हैं और वो वहां से चला जाता है। नोरा अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मरने से पहले वो अपनी बेटी को कहते हैं, रॉयल पैलेस और घर। इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। नोरा अपने पिता की मृत्यु से टूट जाती है। बचपन में उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी, और अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके पिता के पास बहुत सारी नोट्स होती हैं, जो कि ट्रॉल्स के ऊपर होती हैं। और जब नोरा स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि ट्रॉल्स को चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए नोरा कमांडर से बात करती है और कहती है कि हमें उस ट्रॉल्स के ऊपर बमबारी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा आइडिया है जिससे हम उसे काबू में कर सकते हैं। नोरा को मौका दे दिया जाता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर्स पर चर्च की घंटियों को बांधकर हेलीकॉप्टर्स को ट्रॉल्स के चारों तरफ घुमाया जाता है। घंटियों की आवाज से ट्रॉल्स बेकाबू होना शुरू हो जाता है। वो हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देता है, और इस हमले में एक बच्ची की जान जाने वाली होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ट्रॉल्स उस बच्चे को बचा लेता है। पूरी दुनिया ये देखकर हैरान हो जाती है, और अभी ट्रॉल्स उस हेलीकॉप्टर को देखता है जिसके अंदर नोरा होती है। वह उसे देखकर वहां से चला जाता है, क्योंकि अब नोरा अपने काम में फेल हो चुकी थी, इसलिए उसे इस मिशन से निकाल दिया जाता है। और तय किया जाता है कि उस ड्रोन के ऊपर बड़ी मिसाइल से हमला किया जाएगा, जिस वजह से पूरे शहर को खाली करवाया जाता है। नोरा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था रॉयल पैलेस। वो समझ जाती है, इसलिए वो अपने साथी एंड्रियास के साथ किंग पैलेस पहुंच जाती है, जहां पर उसे केन का चीफ मिनिस्टर मिलता है। चीफ मिनिस्टर बताता है कि पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर किसी राजा का घर दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो शुभ होता है। यहाँ पर ट्रॉल्स का घर हुआ करता था, जो इन पहाड़ों के राजा थे, लेकिन यहाँ के राजा ने उन सबको मरवा दिया ताकि उनके घर पर अपने महल को बनाया जा सके। लेकिन उसने एक ट्रॉल्स के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया, जिसे यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों में अंधेरों में भेज दिया गया, और अब यही वो ट्रॉल्स है जो वापस लौट आया है। शायद वही बचा है जो कई सौ साल बाद नींद से जागा है, और अब वो अपने घर वापस आना चाहता है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर इन दोनों को कोई खुफिया जगह ले जाते हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े कंकाल होते हैं, और ये इन्हीं ट्रॉल्स के होते हैं जिन्हें कई सौ साल पहले मार दिया गया था। यानी कि जो रॉयल फैमिली थी, उन्हें ट्रॉल्स की सच्चाई के बारे में पता था, लेकिन हमेशा उनकी सच्चाई को दुनिया से छुपा कर रखा गया। अब नोरा यहां पर एक कंकाल के ऊपर टॉर्च की रोशनी डालती है, और तभी वो हिस्सा पत्थर का बन जाता है। उसे बचपन की वो कहानी याद आती है जो उसके पिता ने उसे सुनाई थी, जिसमें 13 ट्रॉल्स थे जो सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाया करते थे। अब उसे पता है कि ट्रॉल्स को कैसे हराना है। नोरा कैप्टन को कॉल करती है और बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि हम ट्रॉल को कैसे हरा सकते हैं। हमें एक यूवी लाइट के सिस्टम का अरेंजमेंट करना होगा, साथ ही ट्रॉल्स को खुले मैदान में लाना होगा। दरअसल कोई भी नहीं चाहता कि मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तबाही होगी। उसके बाद नोरा ट्रॉल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए गाड़ी में एक ट्रॉल के कंकाल को बांध देती है, जिससे ट्रॉल्स अट्रैक्ट होकर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी को रोकती है तो कंकाल नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ट्रॉल्स उस कंकाल को उठा लेता है और उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो कंकाल उसके हाथ से गिर के टूट जाता है। ट्रॉल्स को बहुत गुस्सा आता है और नोरा की गाड़ी का पीछा करने लगता है।
और नोरा भी अपनी गाड़ी को बहुत तेज तेज चलाती है और दूसरी तरफ वो लोग मिसाइल से हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन एंड्रियास की दोस्त उसी डिपार्टमेंट में काम करती थी, वो उससे सिस्टम को हैक करने के लिए कहता है और वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। इस वजह से मिसाइल लॉन्च नहीं होती। दूसरी तरफ ट्रॉल्स नोरा का पीछा करते करते उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर कप्तान ट्रॉल्स का इंतजार कर रहा था। ट्रॉल्स नोरा की गाड़ी पर हमला कर देता है। नोरा और एंड्रियास उसी वक्त गाड़ी से कूद जाते हैं। उसके बाद वो सारी लाइट ऑन कर देता है जिसे ट्रॉल्स को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। इसके बाद नोरा को एहसास होता है कि ट्रॉल्स के साथ ये सब गलत हो रहा है और वो सारी लाइट्स को ऑफ कर देती है। उसके पास जाकर उसे कहती है कि ये लोग तुम्हें मार देंगे, यहां से कहीं दूर चले जाओ, तुम फिर से अंधेरे में चले जाओ। ट्रॉल्स उसकी बातों को समझ रहा था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सूरज निकल चुका था। सूरज की किरणों से वो फिर से पत्थर का बन जाता है और ये सब खत्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर नोरा के पास आती हैं और कहती हैं, तुम्हारे पापा की कहानी सब सच थी। एंड्रियास अपनी नौकरी से रिजाइन कर देता है क्योंकि वो हमेशा एक राइटर बनना चाहता था और वो नोरा के साथ वहां से चला जाता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।